मेरे चैनल पर आने वाले सभी मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। सदियों की गुलामी को दूर करने के लिए संघर्ष, नायक और नायिकाओं का अनगिनत असंख्य बलिदान, कुर्बानी, एक लंबा इतिहास और लगभग 1000 साल का इतिहास तो मैं लेने ही वाला हूं, लेकिन अभी केवल 1757 से 1947 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के क्रांतिकारियों के एक लंबी श्रृंखला का इतिहास मैं आपके सामने लगभग 2 वर्षों से 385, 6, 7 कुछ ऐसी वीडियोस आपको दे चुका हूं और 98% वो नायक और नायिकाएं जिनको कोई नहीं जानता। भारत माँ की क्षमा पर कुर्बान होने वाले, मर मिटने वाले वो अनगिनत परवाने, दीवाने, मस्ताने, भारत माँ के वो सुपुत्र सुपुत्रियां, क्रांतिवीर, नीम के पत्थर, मौन तपस्वी, ऐसे सब लोग जो देश की आजादी के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट रहे थे, काला पानी जैसी भयंकर सजाए धरती के ऊपर, कोई नरक अगर होगा कहीं कहीं उससे कहीं भयंकर सजाए काला पानी की भुगतने वाले हमारे वो मौन तपस्वी, जिनका कहीं भी कोई नाम नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं, आया नहीं, लिखा नहीं, बताया नहीं, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस थी, कांग्रेस कोई स्वतंत्रता के लिए बड़ा तीर मार रही थी ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म था जो कोई भी देश के लिए काम करना चाहता था थोड़ी देर एक आध बार वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आता था। बाद में जब उसको पता चलता था कि ये तो भिखारियों का, सुविधा भोगियों का, अंग्रेजों के चमचों का, बड़े लोगों का और केवल भिक्षा, भीख मांगने का एक प्लेटफॉर्म है, तो वो कोई भी देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वाभिमानी देशभक्त, असली देशभक्त वो कांग्रेस से अपना किनारा कर लेता था। इसलिए जब ये सोचते हैं, जब ये कहते हैं, हमें पढ़ाया गया कि कांग्रेस ने आजादी लेके दी, अरे भाई सर एओ ह्यूम जिसने कांग्रेस बनाई वो क्या आजादी देने के लिए कांग्रेस बना रहा था? अपनी सुरक्षा कवच के लिए। और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, इससे बड़ा और कोई मजाक हो नहीं सकता। इसके लिए मैं कई कुछ बोल चुका हूँ, पर आज हम उसी श्रृंखला को और बड़ा करेंगे जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए मौन तपस्वी बन करके आखिर तक, आखिरी श्वास तक अंग्रेजों की राक्षस सत्ताशाही से बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती देने वाले और आहूत हो जाने वाले उन वीर क्रांतिकारियों में आज एक नाम कासिम इस्माइल मंसूर, यद्यपि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के साथ खड़े होने वाले ऐसे कुछ मुस्लिम, यद्यपि मैं 500 टोटल नाम दे रहा हूं तो बड़ी मुश्किल से 10 मैं ढूंढ पाया हूं। हो सकता है जैसे और का मैं पूरा संख्या नहीं दे पाऊंगा अभी, हो सकता है 2, 4, 5, 10 और भी होंगे, लेकिन अभी तक मुझे यही लगता है कि 10 से एक अशफाकुल्ला खान जैसे लोग थे, ऐसा मिला करके आज भी एक ऐसे ही भारत माँ के सपूत कासिम इस्माइल मंसूर की चर्चा आपके साथ में करने जा रहा हूं। सिंगापुर के बाहरी अंचल में सड़क पर खड़े हुए 3 भारतीय सैनिक आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि शहर की तरफ चर्चा कर रहे थे और शहर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ये अंचल बाहरी तरफ खड़े थे तीनों सैनिक, भारतीय सैनिक चर्चा कर रहे थे। इस बीच में एक कार आती है, एक कार उनके पास आके रुकती है और वो पूछते हैं कार रोक करके, भाई मैं शहर की तरफ जा रहा हूं तो अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूं। और 3 सैनिकों में से एक ने कहा, वैसे तो
हमारी इच्छा ऐसे ही घूमते घामते जाने की थी, पर आप लिफ्ट दे रहे हैं तो सर धन्यवाद, आपकी उदारता का लाभ उठा लेते हैं। बातचीत में आप रास्ते में दोनों पक्षों को एक दूसरे की जानकारी करने का अवसर तो मिलना ही था। कार चलाने वाला जो व्यक्ति था वो खुद मालिक था, मालिक ही ये कार चला रहा था। ऐसा कई बार सिलसिला हुआ, आना जाना कई बार हो गया, परिचय बढ़ता चला गया। ये कासम इस्माइल मंसूर कहां के थे? गुजरात के, आज के गुजरात के सूरत के रंडर गांव के थे और व्यापार करने के लिए सिंगापुर गए थे। ये सूरत गांव के व्यापार करने गए हुए कासिम भाई, वहां उसकी कई गाड़ियां चल रही थी, अच्छा व्यापार हो गया था कासिम भाई का। सैनिकों से जब विस्तार से परिचय हो गया, कई बार आना जाना साथ में हो गया, और सैनिक कहां के थे? तीनों पंजाब के थे। पहले तो अंग्रेजी में बातचीत होने लगी और फिर हिंदुस्तानी पे आ गए। और यद्यपि ये कासम इस्माइल मंसूर, राजनीति में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, पर दिल में भारत की के पराधीन होने की कसक, पीड़ा, तड़प, चिंता, ये सब अंदर हिलोरे ले रही थी। मेरा देश, मेरी माँ गुलाम क्यों है? विद्रोह की भनक दोनों तरफ कान में पड़ रही थी, बातें एक्सचेंज हो रही थी। आखिर में वो शक वाली जो बीच में छोटी छोटी दीवारें थी वो खत्म हो गई। इन तीन सैनिकों को भी लगा कि ये भी भाई हमारी तरह का है, यहाँ यद्यपि ये व्यापार करने के लिए आया है, हम उस लक्ष्य में पहले से लगे हुए हैं, पर अब ये पता चल गया है, साधन संपन्न भी है और पूरी तरह से तैयार भी है। और फिर उसने क्या किया, जब ये सब कुछ हो गया तो सैनिक मित्रों को आश्वासन दिया कासिम ने। क्या आश्वासन दिया? मेरा सारा पैसा, मेरी सारी गाड़ियां, जब चाहो जिस समय चाहो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए प्रयोग में ला सकते हो। ये सुनते ही वो तीनों सैनिक नेचुरली, स्वाभाविक है, बहुत प्रसन्न हुए। और आगे क्या होता है, ये जो कासिम इस्माइल मंसूर है, ये सिंगापुर से बर्मा में अक्सर जाते थे, आते जाते थे। तो एक बार इन सैनिकों ने, तीनों सैनिकों ने एक गोपनीय पत्र रंगून में जर्मन काउंसिल के पास पहुंचाने के लिए इनको दिया। ये कार्य सहज स्वीकार कर लिया कासिम ने। अरे मैं इतनी बार जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो मुझे। शायद इसलिए भी सहर्ष स्वीकार किया कि कई बार जा चुके थे, पर इस बार शायद उनके पीछे गुप्तचर भी लगे हुए थे, फिर उनको उनकी तलाशी ली गई। और उस दिन चेक पोस्ट पर बहुत बारीकी से हर बंदे की कहीं रिपोर्ट होगी और कासिम की भी तलाशी ली गई। और वो गोपनीय पत्र जो सैनिकों ने जर्मन काउंसिल के लिए भेजा था पकड़ लिया गया, गोपनीय पत्र पकड़ लिया गया। और इसके साथ ही कासिम इस्माइल मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया। कई तरह की यातना, कई तरह के कष्ट, कई तरह के प्रलोभन और एक साथ कई धाराएं उन पर आरोपित की गई, और एक ही बैठक में उनके विरुद्ध निर्णय भी दे दिया गया। सब तरह से उसको, कासिम को तोड़ने की कोशिश की गई,
क्रांतिकारियों के साथियों के नाम बताओ, ये पत्र भेजने वाले कौन थे वो बताओ, जो भी जैसा भी उनको पूछना था। और हर तरह का हथकंडा, हर तरह का हथियार कासम को तोड़ने के लिए, लेकिन ये भारत माँ का सपूत कासम इस्माइल मंसूर कहीं नहीं टूटा। कई धाराएं और एक ही बैठक में निर्णय, और निर्णय क्या हो सकता है सब जान सकते हैं, निर्णय क्या हो सकता है। निर्णय था सिंगापुर की जेल में कासम इस्माइल मंसूर को जून 1915 के पहले सप्ताह में फांसी दे दी गई, क्योंकि निर्णय में मृत्यु दंड घोषित किया था। भारत माता का एक और सपूत उसकी गोद में बहुत दूर, बहुत दूर उसके लिए, भारत माता के लिए बलिदान हो गया। यद्यपि इस कम्युनिटी के लोग बिरले ही मिलते हैं, कुछ लोगों ने अगर 1857 में भी किया तो उनके लक्ष्य कुछ और थे। कल वाले एपिसोड के अंदर मैंने वो बताया है कि वो अंग्रेज ऑफिसर उसको सिख भाई को क्या बोलता है और मुस्लिम भाई को क्या बोलता है। तो इस तरह का अंग्रेजों का भी था और उनके भी दिमाग में हमारे से देश छिन गया है, हमें ही देश मिलना चाहिए, इस प्रकार के भाव से भी कुछ लोग लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग दर्शक मैं ढूंढ पाया हूँ, 5-7 मैं दे चुका हूँ, 2-3-4 और दे पाऊंगा। और जैसे मैं 500 के अंदर ये 10-1 लोग देख रहा हूँ कि ये शुद्ध हृदय से भारत माँ को अपनी माँ समझने वाले, और सनातन के प्रभाव से देखा गया है कि ऐसे जिन लोगों ने भी, अशफाकुल्ला खां आर्य समाज के मित्रों से प्रभावित थे, ऐसे ही कुछ लोग अगर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहुत कर गए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सनातन का, भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। एक और सपूत कासम इस्माइल मंसूर उस श्रृंखला में, उस कड़ी के अंदर मैंने जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे अनगिनत, असंख्य लेकिन अज्ञात इन लोगों की कुर्बानी देखिए, बलिदान देखिए, इन लोगों का त्याग देखिए, तपस्या देखिए। और ये सारे किस आयु वर्ग के लोग हैं? 16 से 30 के बीच में लगभग, एक आध को छोड़कर। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो 80 साल के भी थे, मैंने वो भी अपने इन वीडियोस के अंदर दिए हैं, उनको मैंने कहा है 80 साल के युवा क्रांतिकारी, और काम उनके युवाओं से भी बढ़कर के थे। लेकिन अधिकांश भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए आहुत होने वाले, फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले, काला पानी में खत्म हो जाने वाले, जेलों के अंदर बड़ी बड़ी यात्राएं सहन करके समाप्त हो जाने वाले, ये 16 से 30 के बीच के लोग थे। तो इस बीच में भाई कौन जाना चाहता है? आप 90 साल के बूढ़े को भी पूछोगे ना तो वैसे वो बोल देगा, हाँ भाई अब समय आ जाए तो ठीक ही है, अब तो बहुत कुछ कर लिया, अब तो बस मन करता है कि ऊपर वाला उठा ले, वो कहने की बात होती है। और सचमुच में अगर कोई पोता आके मजाक भी कर दे, क्यों दादा मुझे लगता है कि आज यमराज आने ही वाले हैं, आप रोज उनको बुलाते हो, तो वो भड़क उठता है, दादा अच्छा, या फिर हंस करके उसको टालने की कोशिश करेगा, चल चल तू अपना काम कर, कोई मरना नहीं चाहता। एक चींटी को पर उंगली रखोगे तो वो भी ऐसे ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, कोई मरना नहीं चाहता। और ये मृत्यु को बुलाने वाले क्रांतिवीर, भारत माँ के सपूत, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, लेकिन अज्ञात कहीं नहीं इनको सामने लाया गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने लाने की, सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला सकूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और अगर ये मेरा प्रयास आपको ठीक लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।